हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है इंडियन डॉग ब्रीड। इस वीडियो में मैं बात करूंगा गद्दी कुत्ते के बारे में। इस वीडियो में टोटल 4 पॉइंट्स पे कवर करूंगा। फर्स्ट पॉइंट हिस्ट्री एंड ओरिजिन, सेकंड पॉइंट क्वालिटी, थर्ड पॉइंट क्या ये डॉग आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है, और फोर्थ पॉइंट प्राइस। अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, जो है हिस्ट्री एंड ओरिजिन। इस डॉग ब्रीड का ओरिजिन नॉर्दर्न इंडिया से बताया है, स्पेशली वेस्टर्न हिमालय रीजन से, जिसके अंदर स्टेट आती है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इस डॉग ब्रीड को ज्यादातर गद्दी ट्राइब यूज करते हैं, लोकल गार्डियन की तरह, शीप्स को शीप डॉग की तरह यूज करते हैं, इसे लोकल शीप डॉग की तरह। इस डॉग को ब्रीड भी इसीलिए कराया गया था, एक प्रॉपर डोमेस्टिक डॉग बनाने के लिए, और जो ये बहुत अच्छा डोमेस्टिक डॉग है, ये उनकी जो शीप्स है उनको प्रोटेक्ट करता है, जो वाइल्ड एनिमल्स है जैसे लेपर्ड्स। और ये माना जाता है कि दो गद्दी कुत्ता एक लेपर्ड को भी मार सकते हैं। इस डॉग ब्रीड को और नामों से भी जाना जाता है, जैसे हिमालयन शीप डॉग, इंडियन पैंथर हाउंड। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो है क्वालिटी। ये एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड है, इसका कोट मीडियम और लार्ज दोनों कोट में मिलता है। ये इस डॉग ब्रीड का जो हैवी बोन स्ट्रक्चर होता है और मस्कुलर शरीर है, इसका बहुत मस्कुलर शरीर है, प्रॉपर शीप डॉग है ये। इस डॉग ब्रीड के जो माउथ होता है, जो हेड होता है, वो बहुत ज्यादा ब्रॉड चौड़ा हेड होता है इसका, और इसके जो जैसे बब्बर शेड तलोइन होता है उसकी तरह इसके गले के साथ में भी बहुत ज्यादा हैवी हेयर्स होते हैं, हैवी हेयर्स का एक बंच होता है जो इसे एक रॉयल लुक देता है इस डॉग ब्रीड को। अब बात करते हैं इसके कलर के ऊपर। इस डॉग ब्रीड ये ज्यादातर ब्लैक और टैन, जो डार्क कलर होता है उसमें मिलता है, और फोन कलर में भी मिलता है, ये रेडिश ब्लैक और व्हाइट कलर में भी मिलता है। इस डॉग ब्रीड का मैं वेट बताता हूँ, मेल का वेट है 60 से 105 kg, फीमेल का 50 से 65 kg। हाइट है इसकी 18 से 24 inches के बीच में। लीटर साइज है इसका 6 से 8 puppies, और लाइफ स्पैन है इसका 8 से 15 years। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, क्या ये डॉग आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है। मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिस हिसाब से आप देख रहे हैं डॉग आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है। पहला पॉइंट और मेन पॉइंट, ये इंडोर डॉग ब्रीड नहीं है। इस डॉग ब्रीड को आप एक छोटे अपार्टमेंट में रख नहीं सकते, मेरे रिकमेंड भी नहीं करूंगा मैं आपको। अगर आपके पास एक बढ़िया स्पेशियस हाउस है या फिर एक बढ़िया फार्म हाउस है, फार्म है, वहां रखना चाहते हो तो आप इस डॉग को रखो। ये बहुत बढ़िया वॉच डॉग है, बहुत बढ़िया गार्ड डॉग है। ये आपकी फैमिली को एक पैक समझ के अपना आपको प्रोटेक्ट करेगा वाइल्ड एनिमल से और स्ट्रेंजर से। अब बात करते हैं इसकी ग्रूमिंग की। इसका लॉन्ग कोट होता है तो इसको कम से कम वीक में दो दिन में कम से कम एक बार ब्रश जरूर करें, और इसके जो मंथ में इसको कम से कम 2 से 3 बार बेथिंग जरूर कराएं, ताकि इसका कोट और इसकी जो स्किन है वो हेल्दी रहे। अब बात करते हैं कि ये इसका टेम्परामेंट कैसा है। ये प्लेफुल और एनर्जेटिक डॉग है, ये बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरीके से रहता है, बट बात ये है कि बचपन से आप इसको सोशलेबल बनाओ उनके साथ। और मैंने अभी ये बात कही थी और मैं फिर रिपीट करूंगा, अगर आप अपने डॉग को बचपन से इसको सोशलेबल बनाओगे तो ये आपकी फैमिली को अपना पैक समझ के बहुत बढ़िया तरीके से प्रोटेक्ट करेगा, बहुत बढ़िया तरीके से गार्ड करेगा वाइल्ड एनिमल से और फार्म पे जो स्ट्रेंजर्स है या कोई और है स्ट्रेंजर से, क्योंकि इसका काम भी यही है, ये वाइल्ड एनिमल से शीप्स को बचाता था और ये शीप डॉग है इसलिए। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की, कि इस डॉग को कम से कम 2 घंटे की एक्सरसाइज डेली चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एनर्जेटिक डॉग है और इसलिए इसको कम से कम 2 घंटे की एक्सरसाइज तो कम से कम चाहिए। अब बात करते हैं फोर्थ और लास्ट पॉइंट की, इस डॉग ब्रीड का प्राइस। इस डॉग ब्रीड का प्राइस 5,000 से 15,000-20,000 के बीच में एक डॉग ब्रीड मिल जाएगी आपको प्योर, और इसकी ये रेट इसकी क्वालिटी के हिसाब से मिलेगा आपको। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी और अच्छी वीडियोस के लिए।